हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है टाइटनिक तो टाइटनिक 1997 की एक अमेरिकन इंग्लिश फ़िल्म थी इस फिल्म के मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुए थे तो इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसके बारे में बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा होने वाली है अलग अलग एसपे के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर डीप में डिटेलिंग में बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जो ये ओरिजिनल कुछ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में जिस तरह से इसमें जो फिक्सनलाइज करके चीज़ों को दिखाया हुआ है ये सभी चीज़ें आपको किस तरह से कैसे इस फिल्म में देखने को मिलेगी उसकी चर्चा करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस करेंगे फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग तथ्य भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं टाइटैनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि नाइनटीन की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स ने उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली

इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमर रिचार्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल कह सकते या सोनी म्यूजिक सांग के द्वारा इसके साउंड ट्रैक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवंबर 1997 फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फ़िलहाल में सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड रिकॉर्ड सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरिजियो का रोल डेनी लूची ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स थॉमस ने का वो विक्टर गार्बे ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन गोन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको

को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इकतीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहाँ पे कैमरोन ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे, उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव मिला जिसके चलते एक अंदाजा लगाया गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से एक का कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइनटीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू यूएस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने औतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटैनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि नाइनटीन की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स केम उन्होंने डिरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरि पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाइस्ट ग्रोसिन फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेज फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को सिर्फ किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी बढ़िया थी। क्लासिकल के और सभी चीजें गानों को रिलीज किया गया था म्यूजिक एल्बम को तो जिसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तो हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया हाँ काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक की के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था डेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड रोलनाड्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केलडोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डैनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने का जो रोल है वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था जे ब्रूस इसमाए का रोल है वो जॉनार्थ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइक

का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस का रोल है सर कोस्मो गोर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है Il लेडी का रोल है ने प्ले किया हुआ नोलिस्ट यानी काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पोल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टوين इसमें चिप पेक्स चार्ल्सा जॉइंग इन का रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरेस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकरस को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशन में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे केमरान एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने अच्छा लेकिन जिस तरह से एक कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने का, हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऑल्ड टाइम जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये सब करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर नाइनटीन नाइन्टी सेवन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्विप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का ख़िताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने से डरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पर हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्स क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाएस्ट फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेज फिल्म ने अपना मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल कह सकते या सोनी म्यूजिक साउंड के द्वारा इसके साउंड ट्रैक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवम्बर नाइनटीन नाइन्टी सेवन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कहीं अलग-अलग वजन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफार्म के ऊपर इन साउंडट्रैक को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पैक्सटोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने, कर जो रोल ने, ने, का, रोल, ने का रोल है वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमाए का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इनसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको थ ऑफिसर तो जो हॉल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लॉन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमसाइल्स का रोल है एल्सा राम का रोल है प्ले किया है सर कोस्मो गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है इल्स, लेडी का रोल है और ने प्ले किया नोल काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइट ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकरस को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग, अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे केमरॉन ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे। उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने अच्छा लेकिन जिस तरह से एक का कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइन्टीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये ऐसा करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं लगा था 200 यूएस मिलियन डॉलर 1997 में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज़ किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स केमरों ने डरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीजों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक हाईएस्ट हाइस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेज फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉनफ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते हैं सोनी म्यूजिक साउंड के द्वारा इसके साउंड ट्रेक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवम्बर नाइनटीन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग-अलग वजन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक की के ऑफिशियल प्लेटफार्म के ऊपर इन साउंडट्रैक को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था डेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोस डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरीजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स एंड्रयूज ने का जो रोल है वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था जे ब्रूस इसमाय का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल है इंसें ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन ईवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको फिसर जोसे बॉक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हनोल्ड लो का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस पाइल्स का रोल है वो जेम्स लेट्स ने प्ले किया हुआ एल्स एल्सा राम्स का रोल है वो ल्यू पेल्टर ने प्ले किया हुआ है सर कोस्मो डफ गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है लेडी डफ गॉर्डन का रोल है और ने प्ले किया हुआ है नोअलिस्टी यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है वो रोसे को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चीफ पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्तीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहते इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे, उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग पर भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते का अंदाजा लगाया गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने ख, हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइन्टीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटनिक कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी सी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी है जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें स्क्रें� जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरा माउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि नाइनटीन नाइनटी सेवन की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स ने उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाइस्ट ग्रोस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल वर पेज फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉनफ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा नृत्य दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें नवंबर नाइनटीन फिल्म के गानों को रिलीज किया गया था म्यूजिक एल्बम को तो जिसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे

इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोस डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेनिल लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं थॉम्स थॉमस ने का प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेक एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको जोसे बॉक्स हॉल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन फिफ्थ ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे सर कोस्मो गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया है लेडी का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ नोअलिस्टी यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीजों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इकतीस जुलाई दो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू यूएस मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन एक्स एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई

वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर नाइनटीन नाइन्टी सेवन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने उत्तर फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटैनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थी डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पर हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली

इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरों रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोने क्लासिकल कह सकते या सोनी म्यूजिक सांग के द्वारा इसके साउंड ट्रेक के राइट्स खरीदे गए थे में इसको रिकॉर्ड किया गया था एटीन नवंबर नाइनटीन नाइनटी फिल्म के गान को रिलीज किया गया था म्यूजिक को तो जिसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कहीं अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे में भी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकारटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पैक्सटोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेन लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गरीटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर ने का प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इन्सैन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको ऑफिसर तो से बॉक्स हॉल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस का रोल है एल्सा इल्स, राम का रोल है ल्यू ने प्ले किया है सर कोस्मो गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया है लेडी का रोल है प्ले किया नोल काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशन में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहते इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे। उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने अच्छा लेकिन जिस तरह से एक कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने कर, हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइन्टीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस बिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू पॉइंट टू फाइव सेवन बिलियन यू एस बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स कैमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स से के हमरों ने जैसे डिरेक्टर के तौर पे लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली हुई थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफ़ी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेस फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक हाईएस्ट हाइस्ट फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेस फिल्म ने अपना मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमर रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज़ किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के, सकते के द्वारा इसके साउंड राइट्स खरीदे गए थे एक 96, 97 में इसको रिकॉर्ड किया गया था एटीन नवंबर नाइनटीन नाइन सेवन फिल्म के गानों को रिलीज किया गया था म्यूजिक एल्बम को तो जिसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया हाँ काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल के ऊपर इन को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था डेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड रोलार्डाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केलडोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकारटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्सटोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरीजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रोफाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल है इंसें ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको फोर्थ ऑफिसर जोसे पॉक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर आरोल्ड लो का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस पाइल्स का रोल है वो जेम्स लेट्स कास्टर ने प्ले किया हुआ एल्सा इल्स, राम्स का रोल है वो ल्यू पेल्टर ने प्ले किया हुआ है सर कोस्मो डफ गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है लेडी डफ गॉर्डन का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ है नोल लेस्टी यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है वो रोसेल रोस को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाज जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकरस को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इकतीस जुलाई दो 1996 में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन ने एक्सप्रेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे, उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही सकता और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग पे भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक अंदाजा लगाया गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये ऐसा करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स कैमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटनिक कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी सी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक काल्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरा माउंट पिक्चर्स लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन टू हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि नाइनटीन की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स ने से डायरेक्टर के तौर पे लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छे हाइप मिली हुई थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफ़ी बढ़िया स्क्रीनस आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेस फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का ग्रोसिंग फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेस फिल्म ने अपना मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरा रिचर्ड ए हरिस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने उन इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते या सोनी म्यूजिक सांग के द्वारा इसके साउंड ट्रेक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवम्बर नाइन्टीन फिल्म के गा को रिलीज किया गया था म्यूजिक को तो जिसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर मिला हुआ था। तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे में भी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोस डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरीजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर थॉमस एंड्रूज का जो रोल है वो विक्टर गार्बे ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको जोसे बॉक्स हॉल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन फिफ्थ ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे सर कोस्मो गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया है लेडी का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ है नोअलिस्टी यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पोल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेग के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इसमें चिप पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इकतीस जुलाई दो गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग, अलग लोकेशन में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे जहाँ पेमरॉन एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे, उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना रिलीज के लिए तैयार करवाया गया था कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने कर, हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था हाइस ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइन्टीन दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू पॉइंट टू फाइव सेवन बिलियन यू एस बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी से, से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटैनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फ़िल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने ऐसे डिरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली हुई

इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरों रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड को सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो, जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल कह सकते या सोनी म्यूजिक साउंड के द्वारा इसके साउंड ट्रैक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवम्बर नाइन्टीन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कहीं अलग अलग-अलग वजन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफार्म के ऊपर इन साउंडट्रैक को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेनी नूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकोब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको ऑफिसर तो जोसेफ बॉक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हा, लो का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस बाइल्स का रोल है वो जेम्स लेट्स ने प्ले किया हुआ एल्स एल्सा राम्स का रोल है वो ल्यू ने प्ले किया हुआ है सर कोस्मो गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है लेडी गॉर्डन का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ है यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है रोसेल को दिया गया था इसके अलावा रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम इसमें पेक्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे के ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थी उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव मिला जिसके चलते अंदाज़ा लगाया गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से एक का कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने का, हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी सेम से डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर तो पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पर हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली

इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरों रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीज़ें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते या सोनी म्यूजिक सांग के द्वारा इसके साउंड ट्रैक के राइट्स खरीदे गए थे एक नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था न एटीन नवंबर नाइनटीन नाइनटी सेवन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज़ हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूज़िक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकारटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पैक्सटोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डैनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी पेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल है इनसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टिवर्ड को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको थ ऑ ऑ ऑफिसर जोसेपक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर लो का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस बाइल्स का रोल है वो जेम्स लेट्स ने प्ले किया हुआ एल्स एल्सा राम्स का रोल है वो ल्यू पेल्टर ने प्ले किया हुआ है सर कोस्मो डफ गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है लेडी डफ गॉर्डन का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ है नोल लिस्ट यानी कि काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है वो रोसेल रोल को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेग के लिए देखने को मिलेंगे लाइम इसमें चिप पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे के ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहते इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग पे भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक अंदाजा लगाया गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू यूएस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी ফিছে হৈ जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटैनिक कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन, नाम के साथ देखने को मिलेगी। अगर अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, देखना चाहते हो, तो टाइटनिक नाम के के साथ ऑफिशियली देख सकते हो प्लस वहां पर इस फिल्म को टाइटनिक नाम से आप कर टाइटनिक, जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक क्रोमेंस डिजास्टर फिल्म है ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पर हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाइस्ट ग्रोस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉनफ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूज़िक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को सीप किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल कह सकते हैं या सोनी म्यूजिक साउंड के द्वारा इसके साउंड ट्रैक के राइट्स खरीदे गए थे एक 96 97 में इसको रिकॉर्ड किया गया था न एटीन नवंबर 1997 नाइनटी सेवन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िकल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कहीं अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फ़िलहाल मैं सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड रिकॉर्ड सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था डेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेस्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरीजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गरीटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने का जो रोल है वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन ईवें जोन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेना आपको

को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम इसमें चिफ पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फोरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थे उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इकतीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहाँ पे के ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे, उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही उन्होंने बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से एक कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइन्टीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू पॉइंट टू फाइव सेवन बिलियन यू एस बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लगे और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटैनिक कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉस मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन नाम के साथ देखने को मिलेगी। अगर अगर आपने फिल्म नहीं देखी, अगर देखना चाहते हो, तो टाइटनिक नाम के के साथ ऑफिशियली देख सकते हो प्लस ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन। तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटनिक नाम से आप कर पाओगे। टाइटनिक, जो 1997 की अमेरिकन एक डिजास्टर में मतलब ये फ़िल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था और कल क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाएस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेस्ट फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को सिफ किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते म्यूजिक के द्वारा इसके साउंड खरीदे गए थे एक 96, 97 में इसको रिकॉर्ड किया गया था न एटीन नवंबर 1997 फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल में सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड रिकॉर्ड सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया, किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं थॉम्स थॉमस ने का प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जोस ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सीमोहन करेना

रोज तो को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पोल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिफ पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिचिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्तीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थी उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते एक अंदाजा लगाया गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से एक कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइन्टीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली उस समय की ये पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू यूएस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन 12-13 साल लगे और वो भी से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स केमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्विप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई रोमांस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमांस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फ़िल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन बारह तेरह साल तक इस फिल्म ने हाइएस ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 यूएस मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्स क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक हाईस्ट ग्रोसिन फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेज फिल्म ने अपना मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरॉन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक सौ पंचानवे मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल कह सकते या सोनी म्यूजिक साउंड के द्वारा इसके साउंड के राइट्स खरीदे गए थे नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 एटीन नवंबर नाइनटीन नाइनटी सेवन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िकल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज़ हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूज़िक में भी रिकॉर्ड तोड़े हुए थे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फिलहाल मैं सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड रिकॉर्ड सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकार का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेन लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने का वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था जेब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इन्सेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सीमोहन करेना

रोज को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इसमें चिफ पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फोरेस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चर्स थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट करना चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्तीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुंचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पे हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहाँ पे के ने एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहते इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म है लेकिन शूट काफ़ी ज़्यादा हुई थे उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर इस अच्छा लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ओल्ड टाइम जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स कैमरोन की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको 2009 में रिलीज़ किया था इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में रिलीज़ किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइन्टीन में यू और दूसरे कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज़्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया जिसके चलते इस फिल्म ने बिलियंस में कलेक्शन किया और ये ऐसा करने वाली उस समय की पहली फिल्म साबित हुई थी हाई बजट फिल्म तो थी इतना बजट किसी फिल्म पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं लगा था टू यूएस मिलियन डॉलर नाइनटीन में उसके सामने टू बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी से, से, सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स कैमरॉन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो एक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फ़िक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज़ किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन बारह तेरह साल तक इस फिल्म ने हाइएस ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक काल्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने ही की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज़ के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड यू मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली हुई थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्स क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाइस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेज फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को शिफ्ट किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते हैं सोनी म्यूजिक के द्वारा इसके साउंड के राइट्स खरीदे गए थे नाइन्टी सिक्स में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवंबर 1997 फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज़ हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था तो इस तरह इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फ़िलहाल में सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था डेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोस डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेवरीजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गरीटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटी ने प्ले किया हुआ था वहीं पर थॉम्स ने का जो रोल है वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था जेब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसें ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सीमोहन क्रेना

रोज तो को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्ल्स जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकरस को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इक्तीस जुलाई दो में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशन में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन एक्स एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहते इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म में, लेकिन शूट काफी ज्यादा हुई थी उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना पॉजिटिव अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते बॉक्स ऑफिस डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में टाइम वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक साल तक 12-13 साल वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको नौ में रिलीज किया था इस फिल्म को एक नवंबर नाइनटी में टोक्यो में रिलीज किया गया था नाइनटीन 19 दिसंबर नाइनटीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था 12 लाख से ज्यादा वोट मिले थे आईएमडीबी पे जिसमें 7.9 की रेटिंग

कैमरों के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने उत्तर फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटनिक कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉस मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे टाइटेनिक जो नाइनटीन की अमेरिकन एक एपिक रोमेंस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमेंस डिजास्टर में मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फिक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फ़िल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटे लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद के लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरा माउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स के मोरू ने डायरेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली हुई थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्ट क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का हाइस्ट ग्रोस फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल पेस्ट फिल्म ने अपना मकान बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बॉब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को सिर्फ किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते म्यूजिक के द्वारा इसके साउंड के राइट्स खरीदे गए थे एक 96, 97 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवंबर 1997 फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज़ हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फ़िलहाल में सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाप्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकाटर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्स्टन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेनिल नूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लव जोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने का जो रोल है वो विक्टर गार्बे ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था जेब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैंनरी विल्ड्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको जो से बॉक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस का रोल्स ने प्ले किया एल्सा इल्स, रोल है ल्यू ने प्ले किया हुआ। सर गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया है लेडी का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ नोल काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो ब्राइटवेल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम इसमें चिप पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चर्स थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकरस को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था टू यूएस मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे कैमरोन एक्स एक्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफ़ेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म में। लेकिन शूट काफी ज्यादा हुई थी उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना जो कंटेंट था वो दिखाना सही समझा और उसके बाद में उन्होंने इसको सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग पर भी इस फिल्म को एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते का अंदाजा लगाया गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से एक कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किए वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में टाइम जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको नौ में रिलीज किया था इस फिल्म को नवंबर में टोक्यो में रिलीज किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉस था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था 12 लाख से ज्यादा वोट मिले थे आईएमडीबी पे जिसमें 7.9 की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया था मिलियन डॉलर टू में उसके सामने सेवन बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन 12-13 साल लगे और वो भी सेम डायरेक्टर से प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स कैमरन के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन टाइटेनिक नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे टाइटैनिक जो 1997 की अमेरिकन एक एपिक रोमांस डिजास्टर फिल्म है एपिक रोमांस डिजास्टर मेन मतलब कि ये फिल्म जिस डेट पे रिलीज़ हुई थी उसके पहले की कहानी जहाँ पे जो ओरिजिनल घटना घटी थी जो टाइटनिक स्वीप थी उसके साथ जो घटना घटी थी उसमें उन्होंने एक फ़िक्सनलाइज चीज़ ऐड की हुई है रोमेंस के तौर पे इन दोनों को मिक्स करके एक एपिक रोमेंस डिजास्टर जोनर को तैयार करके फिल्म को बनाया हुआ है इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में गिना जाता है फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में लेटर लेटर ऑन रिलीज किया गया था और जेम्स कैमरन के द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है उसके बाद में इस इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था जिसके चलते करीबन 12-13 साल तक इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ था और उस समय में इस फिल्म को जिस बजट के साथ बनाया हुआ था उतने बजट में तब तक कोई फिल्म नहीं बनी तब तक क्या उस बजट में उसके बाद भी कई साल तक कोई फिल्म नहीं बनी थी लेकिन उस बजट को जिस तरह से रिकवर किया था वो अलग बात है फिल्म ने जितना लंबा रन लिया एक कार्ट क्लासिक हुई वो सभी चीज़ें उसके बाद की लेकिन उसके पहले जो पैसे डाले हुए थे वो एक अलग चीज़ होती है फिल्म का वो प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेटेंडो ने किया हुआ था जेम्स कैमरन वही है जिन्होंने अवतार अवतार टू जैसी फिल्में बनाई हुई है टाइटेनिक फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की हुई थी राइटर भी वही थे डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें स्क्रें जेम्स कैमरन ने की हुई थी उनके प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को उन्होंने रिलीज़ भी किया था पैरामाउंट पिक्चर्स लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के जैसे प्रोडक्शन कंपनीज के द्वारा फिल्म को बेक किया गया था करीबन 200 हंड्रेड मिलियन डॉलर में फिल्म को बनाया गया था उस समय यानी कि 1997 की बात है फिल्म उससे एक दो साल पहले ही शूट हुई होगी तो इतने समय में किस तरह से इस फिल्म ने जो एक बजट डाला उसमें जो एक हिम्मत लगती है वो सभी चीज़ें अपने आप में आप समझ सकते हो दो सौ मिलियन डॉलर आज से पच्चीस तीस साल पहले की बात है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कितनी हेवी वे में उन्होंने सोची होगी कितना एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा होगा तब जाके बजट लगाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका के लिए पेरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा किया गया था वहीं पे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वैसे जो इंसिडेंट घटा था इस शिप के साथ टाइटेनिक के साथ उसके बाद में तो एक इस फिल्म को जब बनाने का फैसला लिया जेम्स कैमरों ने से डेक्टर के तौर पर लोगों ने सुना कि वो आने वाले तो चीज़ें वैसे ही एक हाइप पे हो गई थी बजट तो हाई था लेकिन चीज़ों को एक अच्छी हाइप मिली थी तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी बढ़िया स्क्रीन्स आई हुई थी थिएटर की तरफ से उन्होंने एक अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसी रीज़न के चलते इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में तो अपने मेरिट पेज फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था और कल्स क्लासिक फिल्म तो वैसे ही साबित हुई थी उसके बाद में लंबे समय तक का ग्रोसिंग फिल्मों में वर्ल्ड वाइड लेवल वर पेज फिल्म ने अपना मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म की एडिटिंग है वो कॉन्फ्रेड बाब जेम्स कैमरोन रिचर्ड ए हरीस ने की हुई थी करीबन एक मिनट का रन टाइम था तो ये फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की थी लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला हुआ था रसेल कारपेंटर के द्वारा सिनेमेटोग्राफी की गई थी जिस तरह से उन्होंने चीजों को हैंडल किया हुआ है जिस तरह से जो डिजास्टर होता है जो चीजें घटती है उसको कैमरा वर्क के थ्रू जिस तरह से कवर किया हुआ था जिस तरह से सीन को अलग अलग डिफरेंट एंगल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी एक अच्छी बात थी जेम्स हॉर्नर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के ही द्वारा कंपोज किए गए थे म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो फिल्म में सीन्स देखने को मिलते उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था जो गाने सुनने को मिलते जिस तरह का जो जोनर था फिल्म का उस हिसाब से जिस तरह से गानों को सिर्फ किया जाता है बैकग्राउंड स्कोर को चेंज किया जाता है वो सभी चीजें बढ़िया थी सोनी क्लासिकल के सकते म्यूजिक द्वारा इसके साउंड के राइट्स खरीदे गए थे एक 96, 97 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ना एटीन नवंबर नाइन्टीन नाइनटी सेवन फिल्म के गानों को रिलीज़ किया गया था म्यूज़िक एल्बम को तो जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला था उसके लेटर ऑन कई अलग अलग वर्जन भी रिलीज़ हुए थे उसको भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने कई सारे वैसे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम सुनने को देखने को मिला था अभी फ़िलहाल में सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन साउंड को सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं रोस डेविड बुकाटे का रोल है वो केट विंसलेट ने प्ले किया हुआ था जेक डाउसन का रोल लिया लियोनार्ड डिकाब्रियो ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा केल्डोन हॉकी का जो रोल है वो बिल्ली जेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूट डेविड बुकारर का रोल है वो फ्रांसिस फिशर ने प्ले किया हुआ है रोज डेवसन कालवर्ट का रोल है वो ग्लोरिया स्टोर्ट ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा ब्रोक लॉवेट का रोल है वो बिल पेक्सटोन ने प्ले किया हुआ है लिजी कॉलवेट का रोल सुजी एमिस ने प्ले किया हुआ था फेब्रिजियो का रोल डेनी लूसी ने प्ले किया हुआ था स्पाइसर लवजोई का रोल है वो डेविड वॉर्न ने प्ले किया हुआ है टोमी रैन का रोल जेसन बेरी ने प्ले किया हुआ था मार्गेटा मोली ब्राउन का रोल है वो कैथी बेटिन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे थॉम्स ने का वो विक्टर गार्बेज ने प्ले गार्बर ने प्ले किया हुआ था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल बर्नार्ड हिल ने प्ले किया हुआ था ब्रूस इसमा का रोल है वो जोनाथ हेडे ने प्ले किया हुआ था जॉन जेकॉब एस्ट्रो फाइव का रोल है वो एरिक ब्रेडन ने प्ले किया हुआ था कर्नल आर्क ब्लेड ग्रेसियर फाई का रोल है वो बर्नार्ड फॉक्स ने प्ले किया हुआ है बेंजामिन हेम का रोल है वो माइकल इंसेन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा वेलेस हार्टले का रोल है वो जोनाथन इवेंस जॉन्स ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा मार्क लिंडसे चैम्पियन आपको चीफ ऑफिसर हैं विल्स के रोल में दिखाई देंगे जो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मार्डोज का रोल था वो इवान स्टीवर्ट को दिया गया था सेकेंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोल का रोल है वो जोनाथन ने प्ले किया हुआ है सिमोन क्रेन आपको फोर्थ ऑफिसर जो सेफ बॉक्स होल के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा लोन ग्रफेड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर लो का रोल प्ले किया हुआ है सिक्स ऑफिसर जेम्स मूडी के रोल में आपको एडवर्ड फ्लेचर देखने को मिलेंगे फादर थॉमस बाइल्स का रोल है वो जेम्स लेट्स ने प्ले किया हुआ एल्सा इल्स, राम्स का रोल है वो ल्यू पेलटर ने प्ले किया हुआ है सर कोस्मो डफ गॉर्डन का रोल है मार्टिन जारविस ने प्ले किया हुआ है लेडी डफ गॉर्डन का रोल है और रोसलिंडा एरिस ने प्ले किया हुआ है नोल लेस्ट यानी काउंटलेस ऑफ रॉस का रोल है वो रोसेल रोल को दिया गया था इसके अलावा कोर्ट मास्टर रॉबर्ट हिचेस का जो रोल है वो पॉल ने प्ले किया हुआ है हारोल्ड ब्राइट के रोल में क्रेक के लिए देखने को मिलेंगे लाइम टू इन इसमें चिप पेक्स चार्लस जोहिंग इनका रोल प्ले किया हुआ है चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल है वो टेरी फॉरिस्टल ने प्ले किया हुआ है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको का एक जहाँ जो डूबा हुआ था यानी कि टाइटैनिक उससे इंस्पायर्ड होकर चीज़ों को डेवलप किया हुआ था लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो रोमियो जूलियट जैसी जो पिक्चिस थी उसको लेकर मिक्स करके चीज़ों को बनाया हुआ था उसके बाद में कैमरों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उन्होंने अपने टीम के साथ इन सभी चीज़ों को तैयार किया गया मेकर्स को दिखाया लेकिन फिल्म का बजट काफ़ी हाई था इस वजह से चीज़ें उतनी स्पीड में डेवलप नहीं हो रही थी किस तरह से इसको शूट किया जाएगा नाइन्टी सेवन सिक्स की बात है तब शूट चीज़ों का उतना कुछ खास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसके बावजूद इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए काफी लंबा समय लिया गया था प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था इक्कीस जुलाई दो 1996 में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी उसके बाद फिल्म को कई अलग अलग लोकेशन में शूट किया हुआ था टू हंड्रेड मिलियन डॉलर पहुँचने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी उस समय पर हर एक जो पर स्क्रीन टाइम था पर मिनट का स्क्रीन टाइम वो करीबन वन मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा हुआ था तो इतनी हेवी बजट वाली फिल्म थी जहां पे केमरान क्सप्लेन किया था कि वो इस फिल्म को एक अलग टच देना चाहती इस वजह से इनिशियल जो बजट था वो कम था लेकिन बाद में इस फिल्म का बजट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता गया चीज़ों को जैसे डेवलप किया गया था इफेक्ट्स में काफ़ी समय लगा था उस समय में उतने कुछ खास उनके पास ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे चीज़ों को उतने जल्दी और क्रिएटिव वे में वो डेवलप कर पाए लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को भी मात दी और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को डेवलप किया था उसके बाद में एडिटिंग में भी काफ़ी लंबा समय लगा था सवा तीन घंटे की फिल्म में। लेकिन शूट काफी ज्यादा हुई थी उसके बाद में चीजों को क्रॉप करते करते फिर भी इतना पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस मिला जिसके चलते एक गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन करेगी लेकिन जिस तरह से कलेक्शन निकला वो किसी ने सोचा नहीं था और इस फिल्म ने हर एक वर्ल्ड के कोने कोने में जब थिएटर में रिलीज किया वहां पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में टाइम जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस फिल्म ने काफी लंबे समय तक करीबन 12-13 साल तक वो रिकॉर्ड हासिल किया था उसके बाद में जो रिकॉर्ड टूटा था वो भी जेम्स की फिल्म थी यानी कि अवतार जिसको नौ में रिलीज किया था इस फिल्म को एक नवंबर नाइनटी में टोक्यो में रिलीज किया गया था नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन में यूएस और दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अपने मेरिट के ऊपर फिल्म ने एक लंबा रन लिया था बारह लाख से ज्यादा वोट मिले थे आई पे जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हुई दस में से फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रन लिया था मिलियन डॉलर टू में उसके सामने सेवन बिलियन यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन तो ये अपने आप में काफी बड़ा कलेक्शन था और इस कलेक्शन को बीट करने में करीबन बारह तेरह साल लग गए और वो भी सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं किया जेम्स कैमरों के द्वारा ही ये सभी चीजें फिर से हुई थी जिन्होंने अवतार फिल्म के साथ ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था तो इस तरह से टाइटन कल क्लासिक फिल्म तो साबित हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था और लंबा रन लिया हुआ था और फिल्म ने काफ़ी लंबे समय तक वो जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा था पहले नंबर पर फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रही थी और उसके बाद में कहीं ओ टी टी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म को रिलीज किया वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था फिलहाल में इस फिल्म को इंडिया में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आपको ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन नाम के साथ देखने को मिलेगी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, अगर देखना चाहते हो तो टाइटेनिक नाम के साथ ऑफिशियली देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो वहां पर इस फिल्म को टाइटेनिक नाम से आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाइस टाइटेनिक फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास जो बातें थी जो अपडेट थी वो शेयर की हुई फिल्म को कैसे ऑफिशियली आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्रोडक्शन की डिटेलिंग दी हुई है डीप रिव्यू किया हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट की जानकारी दी हुई है इस फिल्म के शूटिंग के वक्त फिल्मिंग के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उसकी जानकारी दी हुई है इसके अलावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया हुआ है साथ ही में फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू